I would like to welcome all of you for spending time for this presentation. So the topic for the today presentation is a mattress, how to choose a right mattress. I know that it's not something very alien to all of us. मैट्रेस हम सभी यूज कर रहे हैं और यूज करते आ रहे हैं जब से एंड बीन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल. बट देर आर सर्टन फैक्ट्स व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट समहाउ विद इन द इंडस्ट्री वी हैव सीन द ग्रोथ इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैटेगरी वेदर वी आर सीइंग इन इंटीरियर्स और कंस्ट्रक्शन और एनी फील्ड. आई फेल्ट ड्यूरिंग माई जर्नी दैट मैट्रेस इज समथिंग विच इज बीन स्लाइटली नेग्लेक्टेड. तो जो चीज जिस तरह से एडवांसमेंट्स हमें देखने चाहिए थे या शायद जो एक प्रोडक्ट को देखने का नजरिया है मैट्रेस का, वो शायद अभी भी हम उतना मेच्योर नहीं है एज कंपेयर टू यूरोपियन मार्केट. सो द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज जस्ट टू मेक यू स्लाइड अवेयर व्हाट आई हैव फेल्ट. आई वुड लाइक जस्ट टू शेयर विद यू. सो देयर आर सम वेरी सिंपल पॉइंट्स दैट वी स्पेंड 1/3 ऑफ आवर लाइफ ऑन इट एंड इट्स ट्रू. आई मीन व्हाटएवर वी आर डूइंग we have to go to sleep and we are sleeping on the mattress only pertaining to depend I mean minimal 5 hours 6 hours or whatever and a better sleep can only guarantee energized next day because if the mattress is not supporting your body or your it is increasing your pressure points while sleeping definitely it will hamper your sleep so the best and the main part which we should always keep in mind that the mattress should be made of a hygiene material with a proper breathability because if these two aspects are not present in your mattress then definitely it will not help you in longer run. Now going further we have to understand that what kind of mattresses exactly we are referring because there is a very vast difference when we see a mattress as a product in Indian market and the mature market. When I am saying mature market I am referring European market jo thoda sa humse zyada mature hai in choosing the product category and I think जो मैट्रेसेस के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉम्बिनेशंस हैं मार्केट में अवेलेबल उनमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है स्प्रिंग मैट्रेस विच वी ऑलवेज सी वेल इन एवरी होटल्स वी सी ऑल द स्प्रिंग मैट्रेसेस अवेलेबल देयर एंड स्प्रिंग मैट्रेसेस में भी दे आर डिफरेंट कैटेगरीज. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज द स्प्रिंग मैट्रेस विद पिलो टॉप. पिलो टॉप इज अ प्रोटेक्टर और अ टॉपर कवर विच इज समटाइम्स विद अ फाइबर फिलिंग or sometimes with a cotton filling and a fiber cotton both as well. Then the second category which comes in the spring category is the spring with a foam. So where I'm saying with the foam, that means the spring base will be there, but jo aapka comfort layer hota hai, usme foam use hoti hai. Then the next segment in spring mattresses is latex. This prominent mattress हम बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं देख पाते हैं बट यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम मेच्योर मार्केट्स में हम जाते हैं अगर हम ट्रेवल करते हैं अब्रॉड तो लेटेक्स इज द मोस्ट प्रेफर्ड टॉपर टू बी यूज्ड इन द मैट्रेस. देन स्प्रिंग विद मेमोरी फोम. मेमोरी फोम इज ऑल्सो क्वाइट मैं बोलूँ तो शायद हम मेमोरी फोम से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं. मेमोरी फोम इज नाउ बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर मैट्रेस concepts. Apart from spring, जो सबसे ज्यादा कैटेगरी आज के डेट में पॉपुलर है दैट इज मेमरी फोम. सो वेन आई से मेमरी फोम इट इज नॉट मेमरी फोम इट्सेल्फ बट मेमरी फोम जैसा सुन के लग रहा है कि मेमरी फोम होता क्या है. It doesn't have to do anything with memory or like this thing. The memory foam was invented for NASA. The purpose was कि जब हम जीरो ग्रेविटी में ट्रैवल करते हैं स्पेसिफिकली स्पेस शटल में या तो चांसेस ये होते हैं कि आप जब जीरो ग्रेविटी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अपने आप को हिट करके आपको चोट लग सकता है. तो उस बाउंस बैक को रिड्यूस करने के लिए मेमोरी फोम इन्वेंट किया गया था जिसको नासा के स्पेसशिप में अंदर लगाया गया सो दैट कि वाइल इन जीरो ग्रेविटी जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपने आप को हर्ट ना कर लें. बट लेटर ऑन इसको मैट्रेसेस में इंट्रोड्यूस किया गया and there was a brand from US jisne ye introduce kiya and since then hum shayad
It's now more than 12 years. We are seeing memory foam quite often and quite a predominant category in all over world now. Now the next thing is latex. So latex, when I'm saying latex mattresses are probably slightly more preferred worldwide, but in India the scenario is slightly different because India mein hum Dunlop latex use kar rahe hain aur Dunlop latex ke because we are in a tropical country, so we have monsoon which doesn't support Dunlop latex as an comfort layer. So because of less breathability in this material, अक्सर हमें मॉइस्चर कल्टीवेट होने के प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जिससे कि फंगस और इस तरह की स्मेल आना, इस तरह के इश्यूज आने लगते हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई लेटेक्स मैट्रेसेस आर नॉट दैट पॉपुलर इन इंडिया एज कंपेयर टू यूरोप. नाउ आई एम रेफरिंग इंडियन मार्केट. सो नाउ इंडियन मार्केट व्हेन आई से ये थोड़ा सा अलग है, मतलब यहाँ मैं थोड़ा सा एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि अगर हम अभी जो मैंने आपको मैट्रेसेस के जो कॉम्बिनेशन बताया, ये नॉर्मल जो मेच्योर मार्केट्स हैं वहां पे यही चार कॉम्बिनेशंस चलते हैं. बट जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं या एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, लाइक सबअर्ब्स जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं, वहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम रोज यूज कर रहे हैं, लाइक कॉटन मैट्रेसेस. यस, कॉटन मैट्रेसेस आर द सेम रुई वाले गद्दे जो हम अभी भी यूज करते हैं और इंडिया में भी यूज हो रहे हैं, आसपास के बहुत और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं. बिकॉज द प्राइस पॉइंट इज द फैक्टर व्हाई पीपल चूज कॉटन मैट्रेसेस, इवन दो मॉनसून इज द सीजन वेयर द कॉटन मैट्रेस इज नॉट वेरी फ्रेंडली फॉर, बिकॉज उसमें मॉइस्चर कल्टिवेट होता है. एंड दैट वॉज द रीजन कि कॉटन मैट्रेसेस अब शहरों में उतने पॉपुलर नहीं है या शहरों में हम कम यूज करते हैं, बिकॉज कॉटन मैट्रेसेस को टेक केयर कर पाना आसान नहीं होता. जब उसमें रुई या वो चीज जब खराब हो जाती है, तो हमें ज्यादातर कारीगर नहीं मिलते कि जहां पे हम नई रुई उसमें डलवा के उसको मेंटेन कर सकें. सो इन स्पेसिफिकली इन टाउन्स एंड आई थिंक मिड 80s क्वायर मैट्रेसेस ने कॉटन मैट्रेसेस को रिप्लेस कर दिया था. एंड दिस आई एम रेफरिंग समवेयर अर्ली 80s. सो क्वायर मैट्रेसेस ने कॉटन मैट्रेसेस को रिप्लेस किया, बट स्लोली विद इन विद इन 7-8 years क्वायर मैट्रेसेस भी मार्केट से आउट होने लग गए. और धीरे धीरे रीजन उसके पीछे ये था कि क्वायर रॉ मटेरियल, एज एन रॉ मटेरियल जो था वो काफी हद तक हमें क्वायर मिलता था कैलकटा या ईस्ट का जो आपका जोन होता था, जहाँ के बहुत सारी क्वायर फैक्ट्रीज बंद हो गई. तो वो एक रीजन था जिस वजह से क्वायर मैट्रेसेस धीरे धीरे मार्केट से आउट होने लगे, बिकॉज रॉ मटेरियल कम होने से उसकी प्राइसिंग अप होने लग गई. एंड देन इंडस्ट्री ने क्या किया, क्वायर को रिप्लेस करने के लिए दे हैव कम अप विद अनदर मटेरियल विच वाज कॉल्ड बॉन्डेड मैट्रेस, जो कि अभी भी बहुत प्रिडोमिनेंट कैटेगरी है इंडियन ब्रांड्स के लिए. हम इसको बॉन्डेड मैट्रेसेस के नाम से जानते हैं, बट शायद हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि बॉन्डेड होता क्या है. कैन आई आस्क एनीवन हु इज अवेयर अबाउट कि बॉन्डेड होता क्या है? If anybody can share that, what is bonded? Anyway, so bonded is actually a sheet of which is made of compressed scrap material. When I say scrap material, I'm very pinpointing this thing that it's a waste material where फोम के स्क्रब्स होते हैं और जो आपकी हवाई चप्पलें वगैरह बनती हैं उसके जो कटिंग्स होती हैं, उस स्क्रैप को कंप्रेस करके एक शीट बनाई जाती है जिसको बॉन्डेड शीट कहते हैं. यस, ये बॉन्डेड शीट आपके मैट्रेस में यूज होती है. समहाउ आई नेवर मैं बहुत इसको अच्छा नहीं मानता, बिकॉज हाइजीनिकली आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी गुड मटेरियल टू स्लीप ऑन. देन द सेकेंड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी विच इज देयर इज अ फोम मैट्रेस. सो फोम मैट्रेसेस इंडिया में काफी ज्यादा मार्केट शेयर लेके चलते हैं, विच इज आई थिंक मोर देन 60% जो है वो फोम मैट्रेस की मार्केट इंडिया में अवेलेबल है. एंड व्हेन आई एम सेइंग फोम, ये पॉलीयुरेथेन फोम होती है जो कि सिर्फ इंडिया में और कुछ एक नेबरिंग कंट्रीज में यूज हो रही है. पॉलीयुरेथेन फोम इज नॉट meant for sleeping products and it is banned worldwide.
इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एट एनी, किसी भी यूरोपियन या किसी भी मेच्योर मार्केट में पॉलीयुरेथेन को इनकरेज नहीं किया जाता है स्लीपिंग प्रोडक्ट्स के लिए, बिकॉज इसमें एलडी कंटेंट्स काफी हाई होते हैं। और शायद हमने ये चीज महसूस भी किया हो वाइल आई डोंट नो, हम सारे लोग कभी कभी गांव में गए होंगे या शादियों में जब हम जब गद्दे आते थे शामियाने से, या फिर हमारा जो जो भी केटरर होता था जो भी हमें देता था, तो अक्सर आपने देखा होगा इन एक्सट्रीम समर्स वी हैव फेल्ट दैट कि उसमें से कुछ हीट सी निकलती हुई हमें महसूस होती थी। स्पेसिफिकली आई एम रेफरिंग फोम मैट्रेसेस या फोम ब्लॉक्स, और वो जो हीट निकलती है दैट इज कैंसरस। यू कैन गूगल इट, यू विल कम टू नो दैट पॉलीयुरेथेन फोम इज नॉट बींग यूज एनी वेयर अपार्ट फ्रॉम सम एशियन कंट्री। इन यूरोप इट इज टोटली बैन। बट आई एम नॉट सेइंग कि पॉलीयुरेथेन सारे लोग यूज कर रहे हैं। नाउ नाउ लॉट ऑफ ब्रांड्स दे हैव चेंज्ड दिस स्ट्रैटेजी एंड दे आर यूजिंग अदर मटीरियल्स ऑल्सो, लाइक फोम में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। दे आर हाई रेजिलिएंट फोम, देन देर आर ओपन सेल फोम, देर इज डिफरेंट फोम दैट इज बींग यूज नाउ डेज। और सबसे प्रिफर्ड फोम जो मानी जाती है दैट इज ओइकोटेक सर्टिफाइड फोम, जिसमें कोई भी हैजार्ड केमिकल यूज नहीं होता है, विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड फोम टू बी यूज। देन मेमोरी फोम मैट्रेसेस, डेफिनेटली जैसा मैंने बताया मेमोरी फोम मैट्रेसेस ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर हैं, बिकॉज ये आपकी बॉडी का शेप लेते हैं वाइल स्लीपिंग। सिंस आर बॉडी इज नॉट अ फ्लैट थिंग, इट इज अ कर्वी, सो आर स्पाइन नीड्स अ कुशनिंग एट सर्टन पॉइंट्स, वहां पे मेमोरी फोम आपको प्रॉपर कुशनिंग देता है। देन देर इज स्प्रिंग मैट्रेसेस विच इज अगेन अ कैटेगरी विच इज प्रिडोमिनेंटली, मैं बोलूंगा इंडिया में स्प्रिंग मैट्रेसेस ज्यादातर होटेल्स में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज ऑफ के इनका एक जो क्यारे है और जो कार्लसन ग्रुप है, या वैसे बहुत सारे होटल्स हैं जो फाइव स्टार या बिजनेस होटल्स होते हैं, उनके एमओक्यू में आपको स्प्रिंग मैट्रेसेस ही होता है। सो दैट्स व्हाई वी सी स्प्रिंग मैट्रेसेस क्वाइट ऑफन। रेजिडेंशियल में मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, नॉर्मली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ स्प्रिंग मैट्रेसेस बिकॉज ऑफ टू रीजंस, क्योंकि स्प्रिंग मैट्रेस को टेक केयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड बिकॉज वी आर इन अ ट्रॉपिकल कंट्री और डस्ट इज वेरी नॉर्मल विच वी फेस, एंड वो चूंकि देर इज अ लॉट ऑफ हॉलो एरिया इन द स्प्रिंग मैट्रेस, सो वो काफी सारी डस्ट कल्टिवेट होती है जो लॉन्ग रन में कई बार आपको बहुत सारी एयरबॉर्न डिजीज या इस तरह की चीजें दे देती है, जिन्हों हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए। एंड समटाइम्स मैट्रेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इट। सो द चैलेंजेस, व्हेन आई एम सेइंग चैलेंजेस इन इंडियन मार्केट, ये बहुत जरूरी है समझना कि शायद यही रीजंस हैं कि हमारी ये मैट्रेस इंडस्ट्री थोड़ी सी लेगर्ड तरीके से चल रही है। द फर्स्ट रीजन इज दैट अनलाइक मेच्योर मार्केट, व्हेन आई एम सेइंग मेच्योर मार्केट आई एम सेइंग ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे सिर्फ तीन ही साइज के बेड्स बनते हैं, दैट इज किंग क्वीन एंड मिड। बट अनफॉर्चुनेटली आई ऑलवेज से दैट इंडिया एज अ मार्केट इज एक्चुअली नॉट वन मार्केट, इज मल्टीपल मार्केट्स इन वन मार्केट या अदर, एवरी स्टेट इज हैविंग अ डिफरेंट साइज, सो एट टाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्रांड्स जो टेक केयर कर रहे होते हैं मार्केट को, बिकॉज हर एक स्टेट में कुछ अलग साइजेस चल रहे होते हैं पर्टेनिंग टू द लाइफ स्टाइल एंड द एकोमोडेशंस ऑल्सो। लाइक अगर हम बात करें बॉम्बे की, तो शायद बॉम्बे में जो नॉर्मल एक जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 1200 स्क्वायर फीट या 1300 स्क्वायर फीट एक बहुत लैविश एरिया कहा जाता है, बट उस एरिया में भी उसमें बहुत सारे रूम्स छोटे होते हैं, क्योंकि रूम्स छोटे निकलते हैं तो बेड्स छोटे बनते हैं, बेड्स छोटे बनते हैं तो मैट्रेस की रिक्वायरमेंट छोटी आती है। बट द मोर वी कम टूवर्ड्स नॉर्थ लाइक पंजाब राजस्थान, सो यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड फिजिकली ऑल्सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। नॉर्मल हाइट जो होती है वो ज्यादा होती है इधर, सो मैट्रेसेस की हाइट भी चेंज हो जाती है। और कन्फिग्रेशन ऑल्सो, आई मीन काफी जगहों पे कन्फिग्रेशन भी चेंज होते हैं, तो क्वालिटी नॉर्म्स एज एन अगर मैं बोलूँ मैट्रेसेस में स्पेसिफिकली
इंडियन मार्केट की, इट इज स्टिल वेरी प्राइस सेंसिटिव। और शायद इसमें कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच टुवर्ड्स मैट्रेस है जो हमें एक थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी को हम ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। आई विल नॉट टेक एनी पिन पॉइंटिंग दिस थिंग, बट यस दिस इज अ वेरी बेसिक रीजन दैट व्हाइल चूजिंग मैट्रेसेस अक्सर हम उन पॉइंट्स पे या उस तरह से शायद इंक्विजिट नहीं होते हैं जैसे हम और प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, चाहे वो हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें हो या फिर हम रोजमर्रा की चीजें जो खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है या टीवी है या एनी गैजेट। वी गो इन सो मेनी सो सो डिटेल्स कि इसमें रैम कितनी है, इसमें वेदर द फोन का बैटरी कितना अच्छा है, इसमें 5G है कि नहीं, 4G है कि नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टाइम वी स्पेंड, वी डिस्कस विद आवर फ्रेंड्स ऑल्सो। बट शायद मैट्रेस को लेके हम शायद अभी उतना सिंसियर नहीं है जो हमें होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फर्टर्निटी लाइक इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, वी कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल वेल गैदरिंग द इंफॉर्मेशन एंड अपडेटिंग एंड एजुकेटिंग आर क्लाइंट्स ऑल्सो दैट दे शुड कंसिडर अ मैट्रेस, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज समथिंग विच वी कांट इग्नोर। We can survive without a phone or a gadget, but definitely we can't see ourselves skipping our sleep, and mattress has to be there. So now the next topic which I would like to emphasize on mattresses is the main points जो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि mattress में क्या चीज होना है। दैट इज द फर्स्ट एंड द प्रेडोमिनेंटली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द रॉ मटेरियल, कि क्या रॉ मटेरियल है उसमें, जो शायद हम नहीं पूछते हैं कभी भी मैट्रेस लेने में। जब हम व्हेन वी चूज मैट्रेस वी ब्लाइंडली गो विद द ट्रेडर और अ सेलर, जो भी वो हमें दिखा रहा होता है वी नॉर्मली ब्लाइंडली गो विद दैट। एंड देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, 90% ऑफ अस व्हेनेवर वी सी अ मैट्रेस वी ऑलवेज कंसिडर ऑर्थोपेडिक, बट ट्रस्ट मी देर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक इज अ मार्केटिंग गिमिक। द मैट्रेस हैज टू बी एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट, एंड सिंस बॉडी रिक्वायरमेंट चेंजेस विद इन द फैमिली ऑल्सो, वी हैव डिफरेंट बॉडी वेट के लोग हमारे फैमिली में होते हैं, और कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा, कोई कुछ होगा, सो देन देयर इज नो सेट पैटर्न वेयर वन मैट्रेस कैन गारंटी कि यस इट्स ऑर्थोपेडिक मैट्रेस सो इट विल सपोर्ट। सो द रॉ मटेरियल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। रॉ मटेरियल जो भी हम चूज करें वो रॉ मटेरियल एक स्टैंडर्डाइज रॉ मटेरियल होना चाहिए, उसमें कोई भी सब स्टैंडर्ड चीज ना यूज हो रही हो, ये चीज हम पूछ सकते हैं विद द ट्रेडर्स। एंड डेफिनेटली जब हम पूछना शुरू करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो भी अपनी क्वालिटी को सुधारने के लिए फोर्स होंगे, सो वी शुड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। सेकंड इज ब्रीदेबिलिटी ऑफ मैट्रेस। ब्रीदेबिलिटी ऑफ मैट्रेस से मेरा मतलब है कि एयर सर्कुलेशन ऑफ द मैट्रेस, मतलब उसमें एयर फ्लो रहना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल अच्छा होगा, अगर हम अच्छा मटेरियल पे यूज करके मैट्रेस बना रहे होंगे तो ब्रीदेबिलिटी हमें जरूर मिलेगी। एंड बट वाई ब्रीदेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, ब्रीदेबिलिटी इज रिक्वायर्ड बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च, देर इज अ रिसर्च फ्रॉम स्लीप रिसर्च अकेडमी जिनेवा विच सेज दैट इन ट्रॉपिकल कंडीशंस, स्वेटिंग कंडीशन जो होती है व्हेन वी स्लीप, मिनिमल 200 ml से 500 ml तक का स्वेट हमें हर दिन अपनी बॉडी से डिस्चार्ज होता है हमारा, जो कि उसमें से कुछ पोर्शन आपका बेडशीट में अब्जॉर्ब होता है बट डेफिनेटली कुछ पोर्शन आपका मैट्रेस में भी जाता है। तो अगर आपका मैट्रेस ब्रीदेबल नहीं होगा और उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो चांसेस ये होंगे कि वो जो डस्ट और अकुमुलेशन उसमें होंगी उससे बहुत सारी अनहाइजीनिक कंडीशन आपको आपके मैट्रेस में बननी शुरू हो जाएगी, जिसको हम फंगस या इस तरह की चीजें बन जाती हैं, स्मेल आने लगता है एंड इट बिकम्स वेरी अनहाइजीनिक। So now the third point which we should always consider is the design of a mattress. When I say design of a mattress, see again I'll say mattress का design क्यों जरूरी है, आप उसको कहाँ use कर रहे हो, whether you're using on a bed or a sofa cum bed or on a floor and whoever is using it, it should be comfortable for you
टू टेक केयर ऑफ दैट। नाउ डेज बहुत सारे जो अच्छे मैट्रेसेस हैं वो रिमूवेबल फैब्रिक के साथ आते हैं। उसका पर्पज ये होता है, पहला कि रिमूवेबल फैब्रिक, जैसे आप बेडशीट का टेक केयर करते हो, बेडशीट को वॉश करते हो एटलीस्ट एवरी वंस इन अ वीक, तो जब रिमूवेबल फैब्रिक होता है तो आप रिमूवेबल फैब्रिक को आराम से निकाल के उसको आप ड्राई क्लीन करा सकते हो, उसको आप घर में भी वॉश कर सकते हो पर्टेनिंग टू कि वो फैब्रिक कैसा है। और उससे आपको जो सबसे ज्यादा जो एडवांटेज मिलता है वो ये कि अगर एलर्जीज हैं या कोई एलर्जिक है घर में तो वो एलर्जीज एग्रीवेट नहीं होती हैं, बिकॉज डस्ट माइट्स कंट्रोल में रहते हैं। डस्ट माइट्स आपको आपके लाइफस्टाइल या आपकी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द थिकनेस ऑफ मैट्रेस। सो थिकनेस ऑफ मैट्रेस अगेन आई से इन इंडिया वी हैव साइजेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 4 इंचेस, 4 इंच से मैट्रेसेस शुरू होते हैं एंड देन इट गोज अप टू 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14 एंड नाउ 16 इंचेस तक के भी मैट्रेसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। बट जब आप थिकनेस चूज करें मैट्रेस की तो आपको जो कंसिडर करना है वो कि आपका बेड का साइज क्या है, बिकॉज अगर बेड का साइज आपका बहुत ज्यादा हाई एंड बेड है तो उसके कंपैरिजन में आपको मैट्रेस का थिकनेस उसी हिसाब से चूज करना चाहिए। नाउ रॉ मटेरियल एज वो शुड बी द रिक्वायरमेंट, पर्सन हु इज गोइंग टू यूज इज कंसिडरिंग हिज बॉडी टाइप एंड वेट, जो अभी मैंने कवर किया आपको, और एज पर स्लीप रिसर्च अकेडमी देर इज अ सर्टिफिकेशन विच अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत कम ब्रांड्स हैं जो इस क्लास को सर्टिफाइड कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड ओइकोटेक्स। ओइकोटेक्स इज अ वेरी, जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं अभी हमारे साथ वो जानते होंगे कि जितने भी फैब्रिक हम यूज करते हैं चाहे कर्टन्स में या लिनन में, दैट हैज टू बी ओइकोटेक्स सर्टिफाइड, बिकॉज ओइकोटेक्स इज द ओनली सर्टिफिकेशन विच गारंटी यू कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो आपकी बॉडी से डायरेक्टली टच कर रहा है या जिसको आप बॉडी से डायरेक्टली टच करके यूज कर रहे हैं उसका कोई आफ्टर इफेक्ट आपके लिए नहीं होगा, किसी भी तरह की एलर्जीज वो एग्रीवेट नहीं करेगा। तो ऐसा एक ही सर्टिफिकेशन है विच इज कॉल्ड ओइकोटेक्स क्लास सर्टिफिकेशन है, विच इज अ मैंडेट वर्ल्ड वाइड, बट अभी इंडिया में यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस कम है तो ब्रांड्स अभी ओइकोटेक सर्टिफिकेशंस को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बट आई थिंक वेरी सून दे हैव टू। एंड द करंट रॉ मटेरियल कैटेगरी जो मैंने बताया था आपको, जैसे पीयू फोम और बॉन्डेड फोम, ये ओइकोटेक सर्टिफिकेशन कैटेगरी में नहीं आ। ये डस्ट माइट्स और जो डस्ट माइट्स से रिलेटेड इश्यूज हैं इनको यूज, मतलब पहली चीज तो मुझे लगता है शायद डस्ट माइट बहुत लोग शायद नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, डस्ट माइट होते क्या है। डस्ट माइट्स एक तरह के एलर्जिक कंटेंट्स होते हैं जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं नजर आते, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें शायद वो नजर आएंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे एलर्जिक, इनके एलर्जी एक्टिवेट करते हैं ऐसे, और बहुत हद तक ये आपके बेड पे, बिकॉज डस्ट माइट्स वी कांट इग्नोर, डस्ट माइट्स बनते ही बनते हैं, हमें दिखते नहीं है बट वो आपके बेड में रहते हैं एंड दे सर्वाइव ऑन योर डेड स्किन। जब हम सोते हैं तो हमारी जो डेड स्किन होती है ये उस पे सर्वाइव करते हैं। तो कोई भी आप मैट्रेस यूज करें अगर आपको उसके हाइजीन मेंटेन रखनी है तो मेक श्योर कि डस्ट और डस्ट माइट्स जितना हो सके आपके मैट्रेस में नहीं होने चाहिए। एंड देन देर आर लॉट ऑफ फैब्रिक्स, वो बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स अवेलेबल है मार्केट में जो डस्ट माइट्स को प्रिवेंट करते हैं। सो यू कैन आस्क एंड इफ समबडी और आपको चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सेपरेटली आई कैन गाइड यू ऑन दिस। देर आर स्पेसिफिक फैब्रिक्स नाउ डेज अवेलेबल इन द मार्केट जो कि बहुत सारे ब्रांड्स यूज कर रहे हैं एंड दीज फैब्रिक्स आर मेड फॉर मैट्रेसेस स्पेसिफिकली। When I say, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि फैब्रिक पे फैब्रिक से क्या फर्क पड़ता है, फैब्रिक से बहुत फर्क पड़ता है। आई लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल, जैसे आज से कुछ साल पहले, ज्यादा मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, कुछ 8-10 साल पहले या 12 साल 15 साल पहले, जब हम रिबॉक या एडिडास जैसे ब्रांड्स हमारे पास नहीं थे तो नॉर्मली हम जो स्पोर्ट्स हैबिट से होते थे तो हम कॉटन को यूज करते थे और कॉटन की टी शर्ट्स यूज करते थे।
बट नाउ डेज आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कॉटन टी शर्ट्स डाल के जिम करना प्रेफर करेगा या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना प्रेफर करता है। वे नॉर्मली जो हम टी शर्ट्स पहनते हैं रिबॉक की या एडिडास जैसे ब्रांड्स की, ये जो फैब्रिक होता है ये सिंथेटिक फैब्रिक होता है, और ये सिंथेटिक फैब्रिक होने के बावजूद हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हमें फील करता है, क्योंकि इस फैब्रिक में ट्रीटमेंट दिया जाता है जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब यही टेक्नोलॉजी मैट्रेसेस के इन फैब्रिक्स में यूज हो रही है, जो कि जितने भी आपके अच्छे मैट्रेसेस आ रहे हैं, चाहे वो इंडियन मैट्रेसेस हो या इंपोर्टेड मैट्रेसेस हो, उनमें ये फैब्रिक्स यूज हो रहे हैं। और जो प्रोडोमेंटली जो कुछ कैटेगरीज हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज वन इज कॉल्ड टेंसिल फैब्रिक। टेंसिल फैब्रिक सबसे ज्यादा प्रेफर्ड फैब्रिक है इंडियन मार्केट के लिए, बिकॉज इसमें यूकेलिप्टस के एक्सट्रैक्ट्स यूज होते हैं, जो कि काफी हद तक एक एंटी मस्किटो रिपेलेंट की तरह भी काम करता है। आउटलास्ट फैब्रिक इज अनदर फैब्रिक, दिस दिस आल्सो बीइंग यूज्ड, बाहर तो काफी समय से यूज हो रहा है। इंडियन ब्रांड्स भी अब इसको प्रेफरेबली जो उनकी अच्छे मैट्रेसेस हैं जो मिड लेन या टॉप लाइन है उसमें यूज कर रहे हैं। प्योरोटेक्स अडाप्टिव और क्लाइमा कूल, ये सारे ब्रांड्स हैं, ये सारे अलग अलग नाम हैं उन ट्रीटमेंट्स के जो स्पेसिफिकली फैब्रिक बनाए गए हैं मैट्रेसेस के लिए, मैट्रेस इंडस्ट्री के लिए यूज करने के लिए। और हो सकता है कि बहुत सारे ब्रांड्स इनको यूज कर भी रहे हो, हमने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया, सो शायद हमें नहीं पता है। सो प्रेफरेबली ये फैब्रिक्स आर एडवाइजेबल, आप इन फैब्रिक्स को पूछ सकते हैं जब भी आप फर्दर कोई भी मैट्रेस लेने के लिए जाएं। तो एज आई मेंशन द थिकनेस ऑफ द मैट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एडवाइजेबल रहता है, जो एक मेरी एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, कि आपका बेड विद मैट्रेस शुड नॉट एक्सीड 24 इंचेस फ्रॉम द फ्लोर। आई एम रेफरिंग फ्रॉम द फ्लोर। 24, अगर आपका लो हाइट बेड है तो लो हाइट बेड पर डेफिनेटली आपको जब मैट्रेस आप चूज करोगे तो थोड़ा सा थिकनेस का ज्यादा यूज चूज करना पड़ेगा। अगर आप कोई और मीडियम यूज कर रहे हैं, बेड है या तख्त है, बहुत सारे लोग अभी भी तख्त या इस तरह की चीजें यूज करते हैं, तो वहां पे आप बहुत ऊंचा मैट्रेस नहीं यूज कर सकते, वहां पे आपको अकॉर्डिंगली उसकी हाइट के हिसाब से ही मैट्रेस लेना होता है। नाउ डेज देयर इज अनदर कैटेगरी विच इज वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है, दैट इज द कस्टमाइजेशन। व्हेन आई से कस्टमाइजेशन, इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर आपको कोई ब्रांड ये कहता है या कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा कहता है कि हम आपके हिसाब से मैट्रेसेस को बना सकते हैं, तो ऐसा ये एक नया ट्रेंड अब मैट्रेस इंडस्ट्री में आ रहा है वर्ल्ड वाइड, जहां पे बहुत सारे लोग अपने मैट्रेसेस कस्टमाइज करके बनवाते हैं स्पेसिफिकली फॉर देयर बॉडी नीड, बिकॉज इट इज अटमोस्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकली अ कंट्री लाइक इंडिया। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग इट, बिकॉज जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ है और जिस तरह का डेमोग्राफिकली हम स्कैटर्ड है, प्राइस पॉइंट इज ओनली नॉट ओनली वन क्राइटेरिया, देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। और अपार्ट फ्रॉम इट, दिस वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि कस्टमाइजेशन और किन जगहों पे आपको हेल्प करता है मैट्रेसेस चूज करने में। जब आप कस्टमाइजेशन की बात करते हो तो आप अलग अलग मटेरियल्स की बात करते हो, जहाँ पे यू कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक फोम विद लेटेक्स, फोम विद मेमोरी फोम, फोम विद स्प्रिंग, और ये सारी चीजें कहाँ पे आपको हेल्प करती हैं कि आपका अपना लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरह के मैट्रेसेस को चूज करना चाह रहे हो, या वो मैट्रेस एक्चुअली आपके लिए कितना कंफर्टेबल है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं अगर हम कस्टमाइजेशन के लिए जाते हैं तो। सो आई थिंक अभी इट इज स्लाइटली एलियन टर्मिनोलॉजी फॉर इंडियन मार्केट, बट वेरी सून बहुत सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो कस्टमाइजेशन को लेके बहुत सीरियस हैं, और वो कस्टमाइजेशन मैट्रेसेस को लेके आएंगे। Now, there's another thing which I would like to emphasize is choosing a pillow. I know that कि it's मैं कुछ आप लोगों के सामने एक चीज शेयर करना चाहूंगा।
कि वाई पिलो इज इम्पोर्टेंट. जस्ट सी माई दिस फिंगर. सो इफ यू कंसिडर दिस फिंगर एज योर बॉडी, ओके, सो दिस दिस इज योर सर्वाइकल जोन, जो आपका ये पोर्शन होता है, एंड दिस इज योर स्पाइन जोन. तो आप किसी भी मैट्रेस पे आप यूज करें, कोई भी मैट्रेस यूज करें, किसी भी कंडीशन में यूज करें, अगर आपका बॉडी और सर्वाइकल जोन और स्पाइन जोन अलाइंड है, आपको पूरी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा ऐसा कंडीशन है जो कि सबके लिए मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, बिकॉज द वे वी अप्रोच इन आवर लाइफ. तो डेफिनेटली हम कहीं बॉडी वेट गेन करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है बॉडी कभी कभी. सो इन दैट केस, अगर आपका जो स्लीपिंग पॉस्चर है वो अगर ऐसा आ रहा है कि आपका ये स्पाइन जोन या हिप का पोर्शन मैट्रेस में सिंक हो रहा है बहुत ज्यादा, सो चांसेस हैं कि आप सूनर और लेटर बैक प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आर बॉडी टाइप इज अ मिक्स ऑफ बोन्स, मसल्स एंड वेन्स. वेन्स जिनसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है. और जब हम कभी ऐसे पॉस्चर पे सोते हैं जिसमें हमारा स्पाइन डिस्टर्ब होता है या स्पाइन नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं मसल्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ऊपर रखने की, टाइट रखने की कोशिश करते हैं. बट देन देर इज अ लिमिट. तो उनके पास भी एक क्षमता होती है मसल्स की कि एक लिमिट के बाद वो आपको सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, एंड दैट इज द टाइम जब आपको प्रॉब्लम आती है और आप कहते हो कि मेरी कमर अकड़ गई या स्पैज्म आ गया. और ये कभी भी 1 या 2 दिन में नहीं होगा. ये आप जब कोई भी पॉस्चर या कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहे होते हो जो कि आप एक लंबे समय के लिए, जब मैं लंबा समय कह रहा हूँ तो वो एटलीस्ट 6 महीने, साल भर, कभी कभी कुछ लोगों के कंडीशन में 2-3 साल के बाद आता है, बट तब तक आपकी मसल्स काफी वीक हो चुकी होती हैं. एंड देन यू कंसिडर, यू गो टू फिजियोथेरेपिस्ट एंड वो फिर आपकी बॉडी को टोन करते हैं और यू गेट इन टू दैट. नाउ सर्वाइकल की जो मैं बात बता रहा था, ये आपका जो शोल्डर और नेक का जो गैप होता है जिसके लिए आप पिलो यूज करते हो, ठीक है. तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि अगर आप जब मार्केट में कोई भी पिलो यूज कर रहे हैं, आप कोई भी पिलो लेने जाते हैं, उसको आपको एक यूनिफॉर्म साइज का ही पिलो मार्केट में मिलता है, ठीक है ना. दैट इज 7 इंच 7 इंच बाय 27 इंच का पिलो मिलता है, विच नॉर्मली इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे अगर आप अपनी फैमिली में भी देखेंगे तो जो नेक की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी वाइफ से, आपके पेरेंट्स से या आपके बच्चों से डिफर करेगी. तो ट्राई टू गो फॉर द पिलोज विच एक्चुअली सूट्स योर नेक रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंगली. अदरवाइज या तो आप ऐसे सो रहे होगे या फिर आप बहुत मोटा पिलो लगाओगे तो ऐसे सो रहे होगे, और कहीं ना कहीं वो फिर आपको स्पैज्म की प्रॉब्लम आ सकती है.